रानीगंज शहर के एनएसबी रोड स्थित श्री श्याम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। वर्ष 2023 में रानीगंज में बनकर तैयार होगा भव्य श्री श्याम मंदिर। राजस्थान से मंगाए गए कारीगर दिन रात कार्य कर रहे हैं। श्री श्याम बाबा के साथ सालासर बालाजी, श्री रानी सती दादी और भगवान शिव का मंदिर भी यहाँ होगा। लगभग 7000 स्क्वायर फीट में भव्य श्री श्याम मंदिर का निर्माण हो रहा है। रानीगंज शहर के एनएसबी रोड स्थित भव्य श्री श्याम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। राजस्थान से मंगाए गए कारीगर दिन रात कार्य कर रहे हैं तथा मंदिर को भव्य आकर्षक रूप देने में जुटे हैं। श्री श्याम मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ श्री श्याम बाबा के साथ सालासर बालाजी, श्री रानी सती दादी और भगवान शिव का मंदिर भी होगा। इसके साथ ही मुंबई से सिद्धि विनायक जी का मंदिर बनकर यहाँ आएगा। माना जा रहा है कि वर्ष 2023 में श्री श्याम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माणाधीन श्री श्याम मंदिर में जाकर देखा गया कि राजस्थान के कारीगर जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। फिलहाल दीवारों पर नक्काशी का काम चल रहा है। राजस्थान से पत्थर तराश कर मंगाए गए हैं और दीवारों पर नक्काशी की जा रही है। मंदिर परिसर के भीतर का नजारा अभी से ही सबका ध्यान खींच रहा है और माना जा रहा है कि जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे देखकर श्रद्धालुओं की नजरें ठहर जाएंगी। मंदिर के भीतर और बाहर का हिस्सा रंग बिरंगी दूधिया रोशनी से सराबोर रहेगा और श्रद्धालुओं का मन मोह लेगा। श्री श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य अरुण राजपुरिया ने बताया कि वर्ष 2020 में श्री श्याम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से 2 वर्ष मंदिर का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ, परंतु अब एक बार फिर से मंदिर का कार्य प्रगति पर है और उम्मीद है कि वर्ष 2023 में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद भव्य तरीके से मंदिर का उद्घाटन होगा। जल्द ही उद्घाटन की तिथि भी निर्धारित की जाएगी। काम लगभग 2020 से चालू है। काम अभी मार्बल वर्क चल रहा है, जो 2023 में हम लोग इस मंदिर का उद्घाटन कर देंगे, जिसका डेट हम लोग दिसंबर लास्ट में अनाउंस करेंगे। उन्होंने बताया कि कोलकाता के आर्किटेक्ट द्वारा श्री श्याम मंदिर का मॉडल तैयार करवाया गया है, जबकि राजस्थान के सूरज जी सोनपुरा ने मंदिर के भीतर हो रही नक्काशी का डिजाइन तैयार किया है और राजस्थान के कारीगर नक्काशी कर रहे हैं। लगभग 7000 स्क्वायर फीट में भव्य श्री श्याम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर में श्री श्याम बाबा के साथ सालासर बालाजी, श्री रानी सती दादी, भगवान शिव का मंदिर भी बनेगा। बेसमेंट में पार्किंग बनाया जा रहा है। श्री श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष विष्णु सराफ व सचिव पवन केजरीवाल समेत तमाम सदस्यों की देखरेख में मंदिर का कार्य चल रहा है। यह मॉडल हमारे कलकत्ता का आर्किटेक्ट है, उन्होंने जो आर्किटेक्चुअल हम लोग को दिया उसी आधार पर बन रहा है। इसमें श्याम बाबा का मंदिर बन रहा है, सालासर बालाजी का मंदिर बनेगा, रानी सती दादी का मंदिर बनेगा और बम्बे से सिद्धि विनायक जी का मंदिर बन के आएगा और यहाँ शंकर भगवान का मंदिर बनेगा। अभी तक हमारा यही प्रोग्राम है। बगल में एक टॉयलेट बिल्डिंग बड़ी सारी बनाई गई है लेडीज जेंट्स, और सामने 4 दुकान बनाने का प्रोग्राम है। कैमरा पर्सन विप्लव बादेकर के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাক্কি ফ্রেশ আটা মনপসন্দ।